नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से कन्हैया के जो जन्म है वो आप मनाइए और अच्छे तरीके से श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आप सभी पर ठाकुर जी की श्री गोविंद की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों यहाँ पर मैं आज बहुत ही संक्षिप्त वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों देखिए, आज वैसे तो आप सभी लोग जो है जन्माष्टमी मना ही रहे हैं और जन्माष्टमी आप अपने अपने परंपरा के अनुसार मनाते हैं। कुछ बहुत ही संक्षिप्त तरीके से धूप दीप से या फिर थोड़े बहुत माखन मिश्री के भोग लगाकर तुलसी के पत्ते अर्पण करके जो है वो मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक विषय बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, जो मैंने वृंदावन में पाया था इस विषय को, और ये बहुत ही सुंदर होता है। दोस्तों जैसे ही 12 बजने के बाद जैसे ठाकुर जी की अभिषेक की जाती है, तो अभिषेक के बाद जो है ठाकुर जी की श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद जो है उनकी आरती की जाती है। दोस्तों अगर आप घर पर जन्माष्टमी मना रहे हैं, अगर आप फोटो पर भी कृष्ण जन्म की उत्सव मना रहे हैं दोस्तों, तो उसे जो है अभिषेक करते हुए यानी कि तुलसी के पानी या फिर पंचामृत का छिड़काव करते हुए उसे पोंछ ले अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है दोस्तों उसमें फूलों से तुलसी दल की माला से जो है अच्छे से श्रृंगार करें दोस्तों, और अच्छे प्रकार की जो भी सारे गोंद है ना दोस्तों, जैसे कि गुग्गुल हो गया, धुना हो गया, और उसके साथ साथ बाज़ार में वैसे आजकल बहुत अच्छे अच्छे धूप सामग्री भी मिलने लगे हैं एक साथ, जो कि हमें घर पर बनाने भी नहीं पड़ते हैं, तो अच्छे ब्रांड का धूप सामग्री अगर आप बाज़ार से ले आ पाते हैं अभी दोस्तों तो अच्छा है। अगर नहीं भी ले आ पाते हैं दोस्तों तो चंदन का, गुग्गुल का, धुना का और अगर का जो है धूप अगर आप घी के साथ मिलाकर उन्हें देंगे दोस्तों श्री कृष्ण को, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों गोबर की कंडी में भी आप इसे जला सकते हैं दोस्तों, या फिर आप जो है इसे नारियल की खोल में भी जला सकते हैं। हाँ दोस्तों, भगवान की श्रृंगार कीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से। आप भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की प्रतिमा अगर आपके घर में प्रतिष्ठित है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को जो है पीले रंग की फूल से बहुत अच्छे तरीके से सजाइए, पीले वस्त्र पहनाइए उन्हें, और राधा रानी को जो है नीले रंग का वस्त्र पहनाइए, और उसके बाद उन्हें इस गोंद की खुशबू से है धूप सेवा करें। हाँ दोस्तों, इसे धूप सेवा कहा जाता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को श्रृंगार बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए उनके श्रृंगार करके उन्हें धूप के माध्यम से सेवा दिया जाता है दोस्तों, और उसके बाद जो है धूप और दीप से उन्हें आरती करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, धूप और दीप से आरती करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप अपने घर पे जन्माष्टमी के उत्सव मना रहे हैं और बहुत से आयोजन कर रहे हैं, तो मेरा ये विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अगर हो सके तो इस तरीके की श्रृंगार आरती और धूप सेवा भी उनकी ज़रूर करें, क्योंकि श्रृंगार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सबसे प्रसन्न होते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको बस फूलों की इंतज़ाम करना है, चंदन तुलसी दल और उसके साथ साथ अच्छे गोंद वाली जो धूप है उसका ही इस्तेमाल आपको करना है दोस्तों। दोस्तों श्रृंगार के बाद जो है धूप सेवा करना बहुत ही अच्छा होता है। श्रृंगार तभी संपूर्ण होता है जब आप धूप से यानी कि धूप दान में धूप जला कर भगवान श्री कृष्ण की धूप सेवा करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। हाँ दोस्तों, आप अपने परंपरा के साथ इसे जोड़कर कर सकते, हो सकता है कि आपके घर में श्रृंगार की या फिर आरती या इस तरीके से धूप सेवा की परंपरा अलग से नहीं है दोस्तों, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार अभिषेक करके, आरती करके, उसके बाद फिर एक बार जो है आप भगवान श्री कृष्ण की श्रृंगार वगैरह करके, उन्हें धूप सेवा करके आरती करें, और उसके बाद जो है दोस्तों आप भगवान को भोग लगाकर आरती कर सकते हैं, और उसके बाद आप धूप हवन करके ये संपूर्ण आरती कर सकते हैं, या फिर अगर आप हवन करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब आप जो है भगवान को श्रृंगार आरती कर रहे हैं, तो उस समय जो है उन्हें तुलसी का जल यानी कि तुलसी का पानी जो है वो ज़रूर चलाए, और मिश्री का शरबत भी उन्हें ज़रूर दे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है जन्माष्टमी के दिन आप श्री कृष्ण जन्म के बाद जो है श्रृंगार आरती करें, उनकी श्रृंगार करें, उनकी धूप सेवा करें। और दोस्तों आप किस तरीके से जन्माष्टमी मना रहे हैं और आपने किस तरीके से जन्माष्टमी मनाया दोस्तों, और किस तरीके की अगर आप कल मना रहे हैं दोस्तों, बहुत सारी जगह पर तो 24 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो अगर आप कल मना रहे हैं दोस्तों तो आपने और कितने सारे परिकल्पनाएँ की है जन्माष्टमी मनाने के लिए, तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो था जो कि
श्रृंगार आरती और धूप सेवा के बारे में आप लोगों को बताना ही उद्देश्य था इसका। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। एक बार फिर आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।